क्या दरक रहा है समाजवादी कुनबा? दारा सिंह चौहान के बाद अगला कौन? विधायकों पर अखिलेश का कंट्रोल खत्म? सपा विधायक रहे दारा सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस सदस्यता के लिए दारा सिंह चौहान ने अपनी विधायक की तक छोड़ दी। पहले अमित शाह से दिल्ली में मिले और अब भूपेन चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया। सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या चुनाव के पहले जिस सब्जबाग को दिखाकर अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान समेत कई नेताओं को बीजेपी छोड़कर सपा में बुलाया था, वो नेता अब उब रहे हैं? अगर ऐसा है तो लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश के लिए ये खतरे की घंटी है। हाल ही में एनडीए में शामिल होने वाले ओपी राजभर के दावों की माने तो अभी कई सपा नेता झोला लेकर तैयार हैं, बस उन्हें हरी झंडी का इंतजार है। देश की राजनीति में हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। हमने कहा था ना, और समाजवादी पार्टी के ने चैलेंज दिया था मुझे, उनके तमाम नेता आप लोगों के सामने आके बोल रहे थे। हमने कहा था कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिन के फिर आपके स्क्रीन पर ला करके तब आऊंगा। भाई हमारे धर्म सिंह सैनी जी हैं, जल्द ही यही हम आपके सामने पेश करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की उठापटक के बाद तमाम जानकार इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि यूपी और बिहार में भी कुछ बड़ी उठापटक मुमकिन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा था उस वक्त दोनों ही प्रदेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये दोनों सपा के पाले में चले गए। लेकिन बदलते वक्त के साथ स्थितियां बदल रही हैं। खासकर अखिलेश यादव का राजनीतिक रिकॉर्ड, जिसके चलते कई सपा नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ये जानना दिलचस्प है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव पार्टी को कोई भी चुनाव नहीं जीता पाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने कई प्रयोग किए। कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो कभी दुर्विरोधी रही बीएसपी के साथ, लेकिन विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा और निकाय चुनाव तक कोई कामयाबी हासिल नहीं की। अखिलेश यादव साल 2017 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस दौरान जमकर पारिवारिक विवाद भी देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने राहुल के साथ हाथ मिलाया। पार्टी महज 47 सीटों पर सिमट गई। यही हाल 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ। बीएसपी को फायदा मिला, लेकिन सपा महज 5 सीटों पर सिमट गई। 2022 में कई छोटे दलों से अखिलेश ने गठबंधन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव हुए। दोनों सीटें सपा से बीजेपी ने छीन ली। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भी सपा को हार झेलनी पड़ी। यानी चुनाव दर चुनाव हार अखिलेश का ऐसा रिकॉर्ड है जो न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहा है, बल्कि अखिलेश के लिए सियासी मुश्किलें भी खड़ा कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के हर दांव पर सपा की बौखलाहट साफ दिख रही है। ताजा मामला राजभर के एनडीए में जाने को लेकर सामने है, जिस पर शिवपाल ने तीखे लहजे में ट्वीट किया, बाजा बजाते बजाते खुद ही बैंड बन गए, अब तो इनका समाज भी इनकी असलियत समझ चुका है कि असल में किसी के नहीं है। अब तो महोदय अपने समाज के ठेकेदार भी नहीं रहे। खैर, ये तो सियासी बयानबाजी है, सो चलती रहेगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर राजभर के दावों में दम है और कुछ और सपा नेता अगर पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख करते हैं तो अखिलेश के लिए 2024 में खेल कर पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ऐसे दावपेच का सीधा संदेश है कि अखिलेश की अपनी पार्टी पर पकड़ कमजोर हो रही है। ऐसे में विपक्षी एकता का ढोल पीट रहे अखिलेश अपनी पार्टी की एकजुटता कितनी कायम रख पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।